तो हाय गाइस, अपने पिछले वीडियोस में हमने लार्ज इंटेस्टाइन का रोल पढ़ लिया था हमारी डाइजेशन में। तो इस वीडियो में हम अपने फूड की एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमने सब्सटेंसेस डाइजेस्ट करे वो एब्जॉर्ब कैसे होंगे। तो पहले तो एब्जॉर्प्शन की ही हम डेफिनेशन कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड या फिर लिम्फ। तो अब एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास करते हैं हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में, या तो ब्लड में या फिर लिम्फ में। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ ब्लड में होगी और कौन सी चीज़ लिम्फ में पास होगी। सो इट इज़ कैरिड आउट बाय, तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी तरीके से हो सकती है, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें होती है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। नाउ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन्स आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। अभी ये आपकी मेमोरी वाला पार्ट आ गया, और पहले तो स्मॉल अमाउंट्स में दिया हुआ कि बहुत कम अमाउंट्स में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन्स आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये हमें याद होना चाहिए कि क्लोराइड आयन्स की हमें एग्जाम्पल दी हुई है सिंपल डिफ्यूजन में। उसके बाद द पासेज ऑफ दी सब्सटेंसेस इन टू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। तो डिफ्यूजन का हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि कोई कैरियर प्रोटीन तो यूज होता नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट में कि हाई टू लो पे डिपेंड करेगा। नाउ हाउएवर सब सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। अब हमें आगे फिर से दिया हुआ कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स कैरियर प्रोटीन की हेल्प से भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और इसी मैकेनिज्म को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसके बाद अपने अगले पेज पे हमें दिया हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तभी तो हमें एटीपी की जरूरत होती है, क्योंकि अगर विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता तो हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स एंड मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म। अब क्लोराइड हमने पढ़ा था डिफ्यूजन की हेल्प से, और सोडियम आ गया अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। अमीनो एसिड्स और मोनोसेक्राइड्स तो हमने तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट में इसकी एग्जांपल्स देखी है। उसके बाद फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, अभी इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर है, मतलब कि दीज आर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, वाटर रिपेल्ड होगा इनसे, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड। अब ब्लड में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड का बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाटर ही होता है, तो उसमें ये एब्जॉर्ब या घुलेंगे ही नहीं, इसीलिए ब्लड में ये एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकते। नाउ दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स। तो पहले इनको एक स्मॉल ड्रॉपलेट की फॉर्म में, मिसल्स जिनको हम कहते हैं, इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा मिसल्स, इन्हीं ड्रॉपलेट्स को हम मिसल्स कहते हैं, ये वाली बात। एंड मूव इन टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मतलब इंटेस्टाइन के सबसे अंदर वाली लेयर में ये आएंगे। दे आर रीफॉर्म्ड into very small protein coated fat globules called chylomicrons। अब ये important है, अब ये intestine की mucosa show की हुई है, तो इसके अंदर ये missiles आए और ये बन गए अपने protein coated, मतलब protein की एक layer होगी जिसके अंदर अपना fat globules होंगे, और इसी structure को हम chylomicrons भी कहते हैं, which are transported into the lymph vessels। अब आ गया अपने lymph में कौन से substances एब्जॉर्ब हो अपने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, क्यों है, क्योंकि ये वाटर इंसॉल्युबल है, ब्लड का ज़्यादातर पोर्शन वाटर होता है, इसलिए उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, और इन्हीं वेसल्स को हम लैक्टियल्स भी कहते हैं। अब इस पिक्चर में हमें लैक्टियल भी दिखाया हुआ है, ये है अपना लैक्टियल, तो ये काइलोमाइक्रॉन्स के फैट ग्लोब्यूल्स अपने लैक्टियल्स में रिलीज कर दिए। नाउ दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
अब एब्जॉर्प्शन ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, एब्जॉर्प्शन बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि अपने माउथ में भी होती है, स्टमक में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर अपनी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। वही लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसी को हमें एक टेबल की फॉर्म में हमें एब्जॉर्प्शन डिफरेंट पार्ट्स में बताई गई है, जैसे कि माउथ, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। तो कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं अपने माउथ, स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड एल्कोहल, एल्कोहल की एब्जॉर्प्शन भी अपने स्टमक में होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, अब फाइनल प्रोडक्ट्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम और या फिर लिम्फ वेसल्स। लास्ट में आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर इंटेस्टाइन में हमने पिछले वाले पेज पे इंटेस्टाइन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि वाटर की एब्जॉर्प्शन भी होती है अपने लार्ज इंटेस्टाइन। सम मिनरल्स एंड ड्रग्स ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज व्हिच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन। अब वो सब्सटेंसेस हमने एब्जॉर्ब तो कर लिए, लेकिन अब वो यूज भी होंगे, कौन सी, अब हमारे टिश्यूज उन्हें यूज करेंगे और उनको यूज करने के प्रोसेस को ही हम असिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद जो सब्सटेंसेस बच गए, मतलब द डाइजेस्टिव वेस्ट आर सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट पीसेस इन द रेक्टम व्हिच इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। The ejection of feces to the outside through the anal opening is called defecation. So, defecation is the process of ejection of the feces to the outside through the anal opening. Or important point here, it is a voluntary process. So, NCERT ne mention kiya hua hai ki defecation is a voluntary process. Matlab ki ye hamare control mein hai and is carried out by mass peristaltic movement. Bahut sare bacche ये वाला पॉइंट मिस कर देते हैं कि ये वॉलंटरी प्रोसेस है। तो अपना अगला टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें हमें कुछ डिसऑर्डर्स दिए हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द कॉमन एलिमेंट जो कि बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। उसके बाद हमें कुछ पैरासाइट्स भी दिए हुए हैं, द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज बाय पैरासाइट्स जैसे कि टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म और पिन वॉर्म। अब कुछ इनमें से कुछ वॉर्म्स तो हमें एनिमल किंगडम में भी आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले आती है अपनी जॉन्डिस। अब जॉन्डिस में लिवर इफेक्ट होता है, स्किन एंड आईज का कलर येलो हो जाता है ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। अब इसमें जो भी डिसीजेस दी हुई हैं उसमें हमें उनका सिम्टम्स एक तो पता होने चाहिए, जैसे इसमें स्किन और आईज का कलर येलो हो जाता है, अपना लिवर इफेक्टेड हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं। उसके बाद जॉन्डिस के बाद हमें अगली दी हुई है वॉमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्मॉल ऑफ द स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला। अब इम्पॉर्टेंट आता है कि ये कंट्रोल कहाँ से होता है, वॉमिट सेंटर जो कि अपने ब्रेन के मेड्यूला वाले पोर्शन में है। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग और ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो वॉमिटिंग के बारे में कि इसमें इजेक्शन ऑफ द स्टमक के कंटेंट्स हो जाएंगे थ्रू द माउथ और इसको कंट्रोल करता है वॉमिट सेंटर जो कि अपने मेड्यूला में है, और इससे होने से पहले हमें नोजिया की फीलिंग आएगी। अपनी तीसरी डिजीज आ जाती है डायरिया, इट इज द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। अब हमने पहले भी बात की थी कि जो अपने
एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कुछ मूवमेंट्स चलती रहती हैं, और अगर उन मूवमेंट्स में कुछ डिफरेंस आए या चेंज हो तो हमें कई डिजीज भी हो सकती है। उसी में हमें डायरिया आ गया, इसमें दिया हुआ है अपनी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोल मूवमेंट जिसके कारण लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो फीसेस होती है या फिर जो भी हमारा फूड फ्लो करता है तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से फ्लो करता है, और अगर वो बहुत तेज तेज फ्लो होगा तो उसमें से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी फूड की, क्योंकि बहुत तेज फ्लो हो रहा है फूड का, जिसके कारण हमारे फूड में पानी भी ज्यादा रह सकता है, जिसके कारण लिक्विडिटी हो जाती है अपने फीकल डिस्चार्ज की, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हुई नहीं। सो इट रिड्यूसेस, यही रीजन हो गया, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि अपनी फ्रिक्वेंसी मूवमेंट की ज्यादा हो गई जिसकी वजह से अपना फूड ज्यादा जल्दी पास कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल से, जिसके कारण अपना वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कुछ जो भी हम इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है वो भी एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो रहे। तो यही था डायरिया के बारे में। उसके बाद आती है कॉन्स्टिपेशन, द फीसेज आर रिटेन विद इन द रेक्टम एज द बोल मूवमेंट्स अकर इररेगुलरली। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बोल मूवमेंट्स इररेगुलर हुए और इसमें फीसेस आर रिटेन्ड, मतलब कि रेक्टम के अंदर ही रह जाते हैं, वो बाहर डिस्चार्ज इजीली नहीं हो पाते। उसके बाद इनडाइजेशन, इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। अब इसमें क्या होता है, अपना फूड डाइजेस्टेड इजीली नहीं होता जिसके कारण हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। अब इनडाइजेशन के कॉजेस इंपॉर्टेंट है कि उनको कॉज कौन करता है, इन एडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग या फिर स्पाइसी फूड। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि इनडाइजेशन को कॉज करते हैं। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा होता है। अपनी अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है।